Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Respiration in Organisms. Before going to start the chapter, students, you have to read this chapter and watch the video very carefully and understand it. Students, if you have done any mistake in the last, so do not repeat your mistake again. So open your book. From page number 108, let's start the chapter. Introduction. A cell is the smallest structural and functional unit of life. Cell जो है वो सबसे smallest, सबसे छोटी functional और structural unit है life की. यानी कि बिना cell के कोई भी चीज जो है वो possible नहीं है. Each cell of an organism performs certain function. हर एक cell जो भी एक ऑर्गेनिज्म में होता है या प्रेजेंट होता है वो अपना एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करता है. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस सेल नीड्स एनर्जी. हर तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है. जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और जो हमें काम करने में हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट सेल. सो सेल को किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हम लोग एनर्जी जो है वो फूड से लेते हैं. फूड कॉन्टेन्स स्टोर्ड एनर्जी. फूड जो है उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. व्हेन वी रिस्पायर द फूड इज ब्रोकन डाउन इन सेल ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. जो हम खाना खाते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो वो जो खाना है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और ऑक्सीजन देता है. जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है यानी कि वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं. तो खाना हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है. सो यानी कि हमें रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस लेने के बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है. एनर्जी रिलीज का मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन और जब हम छोड़ते हैं सांस तो हम क्या छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो फूड है वो हमें हेल्प करता है एनर्जी को प्रोवाइड करने में. Now, what is respiration? Respiration क्या होती है? Respiration is the process by which food is broken down in cell of body with the help of oxygen to release energy. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि respiration क्या होती है? ये एक process है जिसमें कि food जो है यानी कि खाना जो है वो जब टूटता है in the form of glucose की form में वो टूटता है और हमारी body को energy provide करवाता है. Since respiration takes place in the cell of body, it is called cellular respiration. क्योंकि respiration जो है वो हमारी body के अंदर जो present होते हैं cell उनमें होती है. सेल में प्रेजेंट होने के कारण इसका नाम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन पड़ गया है या इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. नीचे एक आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें हमने बताया कि जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी कि खाना और ऑक्सीजन, खाना जो हम खाते हैं और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एनर्जी रिलीज होती है और गैस जो है वो रिलीज होती है और वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है. देखो क्या होता है, खाना खाया हमने और सांस लिया हमने, सांस लेते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. जब हम खाना और ऑक्सीजन साथ में लेते हैं, जब हम किसी भी तरह का काम करते हैं तो उसमें क्या लगती है, हम अगर पेन को उठा रहे हैं तो उसमें भी एक एनर्जी लग रही है. जब हम पेन को उठाते हैं तो हम पेन को उठाने के लिए एक एनर्जी का यूज करते हैं. या जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में भी हम लोग हमारी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है. जो हमने खाना खाया हुआ है वो टूट रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमने ली है वो हेल्प कर रही है हमें बोलने में. जब हम बोलते हैं तो हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स और साथ में हम लोगों की एनर्जी निकल रही है. सो ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का. साथ में सेलुलर इसको आपको केमिकल फॉर्मूला में दिया गया है. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. C6H12O6 plus O2. O2 means ऑक्सीजन.
give rise to carbon dioxide, CO2 plus H2O means water and plus energy, यानी कि energy जो है वो release हो रही है. So this whole process is known as respiration, इसे हम respiration कहते हैं. Now the types of respiration, जो respiration है वो generally two types की होती है. एक होती है anaerobic respiration and next one is aerobic respiration. So let's start with the first type, that is aerobic respiration. Aerobic respiration क्या होती है? It is the process in which the respiration in which glucose is broken down in the presence of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. It takes place in most organisms. जो aerobic respiration है, aerobic respiration में क्या होता है? ये रेस्पिरेशन जो है किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन होगी तभी इस टाइप की रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म होगी. और ये रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है. जो सांस लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, उनमें हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने ह्यूमंस हैं, वो उन सब में एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि सभी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. इनहेल का मतलब होता है अपने अंदर लेकर के जाते हैं. उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ग्लूकोस जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिया जाएगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी. इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ नंबर टू, सेकेंड है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इज अ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोस इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट. अब एनारोबिक, जैसे एना, एना का मतलब होता है नो, नो ऑक्सीजन. एनारोबिक का मतलब है ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होती. इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा अल्कोहल निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी निकलती है. एनर्जी तो दोनों में निकलेगी, बट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है इसमें अल्कोहल निकलती है. दूसरा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें बताया है ग्लूकोस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एनारोबिक है. एना मतलब, एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होना. और इसमें प्रोडक्ट हमारा आता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आर मसल सेल, ग्लूकोस इज ब्रोकन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारी हमारे मसल सेल्स के अंदर होती है. हमारे मसल सेल्स के अंदर जब ग्लूकोस ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट नहीं होती उस टाइम पे ऑक्सीजन, उस टाइम लैक्टिक एसिड निकलता है. जब जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ह्यूमंस में मसल सेल के अंदर होती है. इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलती है. फॉर्मूला भी आपके सामने दे रखा है, ग्लूकोस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास इसका प्रोडक्ट आता है वो आता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी. सो दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. योर होमवर्क इज चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. यू हैव टू रीड द पेज नंबर 108 एंड 109 थॉरली फ्रॉम योर बुक. बच्चे, बुक को पढ़ने से पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, बार बार देखो और समझो. फिर बुक के दो पेजेस को पढ़ोगे तब आपको चैप्टर जो है वो इजीली समझ आ जाएगा. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को फोन करके अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.